हेलो स्टूडेंट, नाउ टुडे इन दिस सेशन ऑफ क्लास 11 अकाउंटेंसी वी विल बी गोइंग टू सी दिस थिंग दैट हाउ वी हैव टू एनालाइज द बिजनेस ट्रांजैक्शंस बिफोर रिकॉर्डिंग दोज ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स दैट इज जर्नल. So first thing what we have to do, we have to analyze those transactions and then we have to reach up to a particular point that which account is to be debited and which account is to be credited. Okay. So this we will be discussing today with the help of few of the examples which I have already drafted for you, and we will be discussing the analysis on the basis of the traditional classification of accounts which is related with real, personal and nominal categories of account. तो आज हम ये चीज देखते हैं इस सेशन में कि जर्नल एंट्री जब हम करते हैं तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है, तो वो एनालिसिस हमारा किस तरीके से होता है. तो उसके लिए हमने कुछ एग्जाम्पल्स के रूप में कुछ ट्रांजेक्शन्स आपके लिए ऑलरेडी फ्रेम कर दिए हैं और अब हम एक एक करके इन चीजों को समझते हैं कि इवेंट्स को देखने के बाद, ट्रांजेक्शन को देखने के बाद आपको किस तरीके से अपनी सोच को डेवलप करना है, थिंकिंग को डेवलप करना है और किस तरीके से अपने जो रूल्स हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं और एंड ऑफ द डे जाके आप ये क्लियरली पता कर सकते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा. तो फर्स्ट इवेंट आई हैव रिकॉर्डेड दैट इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीस 1 लाख. 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करकर आपने बिजनेस शुरू किया. ठीक. सो फर्स्ट थिंग, व्हाट आर द टू अकाउंट्स विच आर इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजेक्शन. कम से कम दो अकाउंट आपको पहचानने हैं जो इस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हैं. सो व्हेन वी आर स्टार्टिंग द बिजनेस विद कैश, सो कैश इट इज कमिंग इन द बिजनेस. ठीक. तो एक अकाउंट तो हो जाएगा कैश अकाउंट एंड सेकंड दिस कैश इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस. So when anybody is introduced by the proprietor of the business, that becomes the capital for business. वो बन जाता है business का capital. तो दो account जो इसमें involved हुए हैं, वो है cash और capital. Now the nature of this account, कि ये दोनों account real, personal और nominal category की अगर पर बात करें, तो उसमें से ये किन classifications में जाएंगे? तो कैश तो आपके लिए जो है वो रियल अकाउंट का एग्जांपल है और कैपिटल इट इज रिलेटेड विद द प्रोप्राइटर. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पर्सनल अकाउंट या कैटेगरी ऑफ पर्सनल. तो ये दो आपने नेचर भी समझ लिए. थर्ड थिंग, हाउ इट इज इफेक्टेड, इनके इफेक्ट क्या हो रहे हैं. So when we are saying that we have introduced the business in cash, so it is cash is coming in business. Cash business के अंदर आ रहा है. And capital as it is representing the proprietor, so the proprietor has invested the money in the business. So that means he has given the money to the business. So here it is given of money. Proprietor is the giver of this money. Okay. अब आपने ये दोनों चीजें भी एनालाइज कर ली कि इफेक्ट क्या हो रहा है, what comes in and giver of the money. तो real account when it is saying this thing, what comes in, it is coming in. तो real का rule कहता है debit और क्रेडिट से रिलेटेड कि व्हाट कम्स इन शुड बी डेबिटेड.
यहाँ पे कैश अकाउंट को आपको डेबिट करना है विथ 1 लाख रुपीज एंड पर्सनल अकाउंट विल सजेस्ट दैट क्रेडिट द गिवर, जो आपको अमाउंट दे रहा है, जो आपको गुड्स दे रहा है उसको आप क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे जो गिवर का अकाउंट है दैट इज कैपिटल अकाउंट, इट विल बी क्रेडिटेड। तो ये एनालिसिस जब यहाँ तक पहुंच जाता है देन ओनली यू ड्राफ्ट द एंट्री दैट विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। ठीक, नाउ टू अकाउंट्स विच आर इन मोर, सबसे पहला दिमाग इस तरफ ही जाता है। तो टू अकाउंट्स वी हैव परचेज द गुड्स, सो वेन एवर वी आर परचेसिंग द गुड्स विच वी हैव टू रीसेल अगेन, सो दैट बिजनेस ट्रांजेक्शन इज नोन एज परचेज। सो इट इज डिनोटेड बाय दिस पर्टिकुलर टर्म परचेज। सो वन अकाउंट इज परचेज एंड अनदर अकाउंट एज वी आर सीइंग दिस थिंग दैट वी हैव परचेज द गुड्स एंड वी हैव पेड द कैश फॉर। सो अनदर अकाउंट दैट इज इन्वॉल्व दैट इज कैश, अगेन परचेज एंड कैश एज वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू हियर। कैश इज द एग्जाम्पल ऑफ रियल कैटेगरी क्लासिफिकेशन एंड परचेज, परचेज मीन्स वी हैव पेड द मनी फॉर पेइंग द गुड्स। ओके, तो परचेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ द नॉमिनल कैटेगरी ऑफ अकाउंट। तो ये आपके लिए नॉमिनल कैटेगरी में जाता है। हाउ इट इज इफेक्टेड, अब इसके इफेक्ट क्या हो रहे हैं? तो कैश इज गोइंग आउट, अब यहां पे जो है कैश आपका आउटगोइंग में जा रहा है, और परचेज में क्या हो रहा है? आपके जो गुड्स है वो आपके बिजनेस में आ रहे हैं, बट इट इज ट्रीटेड एज अ नॉमिनल कैटेगरी अकाउंट, दैट मीन्स यू हैव पेड फॉर दैट थिंग, सो इट इज अ टाइप ऑफ एक्सपेंस। ठीक, तो गुड्स आ रहे हैं, गुड्स कम इन है ना, एंड इट इज एक्सपेंस फॉर। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल और रियल अकाउंट का रूल फॉलो हो जाएगा। नाउ व्हाट इट इज सेड, नॉमिनल द रूल सेज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सो परचेस अकाउंट शुड बी डेबिटेड विथ 20,000 रुपीज एंड कैश व्हाट गोज आउट, तो रियल सेज क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश शुड बी क्रेडिटेड विथ 20,000। आफ्टर रीचिंग दिस पॉइंट देन वी विल बी फाइनली ड्राफ्टिंग द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। परचेस फर्नीचर फॉर कैश, now the two accounts which are involved here, what you have purchased now it is not your goods, it is your asset furniture, so you have purchased furniture, so whenever we are purchasing any asset so that account involved is related with asset, and for cash so another account is cash now. Furniture is also an example of real and cash is also an example of real account. Okay, what comes in है ना, what comes in business and here it is what goes out from business। तो इफेक्ट क्या होता है, फर्नीचर आ रहा है बिजनेस में और पैसा जा रहा है, तो व्हाट कम्स इन शुड बी डेबिटेड, तो फर्नीचर अकाउंट शुड बी डेबिटेड विद 10,000 रुपीज एंड कैश अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड विद 10,000 रुपीज। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड, नाउ वी हैव सेल आउट द गुड्स व्हाट वी हैव परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग, सो व्हेन वी आर सेलिंग द गुड्स इट विल बी ट्रीटेड एज सेल्स फॉर अस, सेल्स एंड हियर इट इज
We have sold goods for cash, the whole account is cash. Sales is an example of nominal category account, because when we are selling the goods, we will generate the revenue, there will be income for us. And cash is an example of real category account. In sales, the goods goes out and income is generated. गुड्स जाता है और साथ में इनकम जनरेट हो जाती है. और कैश में क्या होता है, व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है. ठीक, सो इट इज लाइक दिस कि सेल्स एंड कैश. सो रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन, तो इट शुड बी डेबिटेड विद 10,000. And sales nominal, as it is an income for you. So nominal account rule says this thing, that debit all expense and credit all income. So it should be credited by 10,000 rupees. Okay, so it should be credited by 10,000 rupees. So let's say sales and cash. Okay, vice versa. इसको अगर आप सही तरीके से analyze करना चाहे तो आप कैश और सेल्स रियल नॉमिनल चेंज, तो ये हो जाएगा कैश डेबिट 10,000 और सेल्स क्रेडिट 10,000. सो लेट अस डू दैट थिंग, दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट. सो फर्स्ट अकाउंट वी कैन पोस्ट कैश, सेकंड वी कैन पोस्ट सेल्स. सो कैश इज द एग्जांपल ऑफ रियल एंड हियर इट इज द एग्जांपल ऑफ नॉमिनल. This I am doing for your convenience. Okay, otherwise it was also correct. We were explaining this thing only. Okay, what comes in, and what goes out, and income is generated. Okay. So here it is 10,000 rupees cash debit, and here it is 10,000 rupees sales account credit. Okay. Then come paid salary by check. So two accounts involved, salary is an expense, so salary account, and we have paid it by check. Now we are not paying anything by cash, so check will be withdrawn from bank only, so that money will be withdrawn from bank only. Okay. Salary is the example of nominal category account. And now bank. Bank, it represents what? Okay. Bank is your real category account. Okay. Because it is the account of the holder, so it is your asset also. Okay. And it can be treated as, let's say, personal. Okay. So salary is your nominal, so expenses. Okay. Expense of salary is done. And bank is the given. Okay. So when we are doing any expenses, so it should be debited. So salary account will be debited by 5,000. And bank is a giver, so credit the giver in the personal account by 5,000. So this is how you have to analyze the various transactions of the business before finally getting it to the decision that which account is to be debited and which account is to be credited. So this is the overall process. This should be followed by, first you have to identify the minimum two accounts, then you have to identify the nature of the account, whatever classification you are following. At present we have discussed the traditional classification. So according to traditional, there are three classifications of account: real account, personal and nominal. So out of these three category of account, in which account the two accounts which are involved stands, then the effect of those accounts, what are the effects of those accounts in the context of debit and credit,
then which account will be debited with which, how much amount of rupees, and which will be credited with how much amount of rupees. And after this, then only we can say this thing, that now we can record the entry in the transaction books, that is the journal, and we will be reaching up to the conclusion that for a particular transaction we have to debit this account and we have to credit a particular account. Hope you understand this thing, that how the analysis are to be done. Thank you.